हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपिका प्रजापति फ्रॉम कंप्यूटर डिपार्टमेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म एज अ प्रैक्टिकली. सो अवर प्रैक्टिकल नंबर 18 इन अ DWPD सब्जेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन अ जैम कंट्रोल पैनल. सो डियर आर स्टूडेंट, अहीं तमे जोई सको छो जैम कंट्रोल पैनल में अपाच एंड माई SQL बोथ आर स्टॉप. सो नाउ वी हैव टू स्टार्टेड फ्रॉम दिस अपाच एंड माई SQL फॉर परफॉर्मिंग अवर प्रेक्टिकल. तो आ जे प्रेक्टिकल छे ए आपणो ड्रॉप टेबल माटेनो छे. सो ड्रॉप टेबल टू द डेटाबेस, तो तमारे आ स्टेप फॉलो करवाना छे जे प्रमाणे हूँ अहीं करूँ छूँ. सो फॉलो दिस स्टेप. ओपन द PHP माय एडमिन, देन हियर PHP माय एडमिन पर क्लिक करशो एटले तमे डायरेक्टली PHP माय एडमिन में एंटर थी जसो. अहीं तमे आपणे जे नेक्स्ट प्रीवियस प्रेक्टिकल विडियो में जोयुं के डेटाबेस पर क्लिक करीने अहीं न्यू पर क्लिक करता था तो आपणे डेटाबेस क्रिएट थतो हतो अने नेम आपता था तो नेम पण डेटाबेसनुं आई जतुं हतुं. सेम वर्किंग लाइक एज अ हियर वी हेव टू क्लिक द डेटाबेस एंड देन हियर गीव द नेम ऑफ डेटाबेस, इट मीन्स क्रिएट डेटाबेस. सो डेटाबेसनुं नाम आपी देवानुं रहेशे एंड नीचे कॉन्सोलमां तमे जोई शको छो द कोडिंग अबाउट प्रेस कंट्रोल एंटर टू एक्ઝિક્યુટ क्वेरी. सो हियर क्वेरी एक्ઝિક્યુટ करवा માટે તમે જુઓ છો કે એંગ્યુલર બ્રેકેટ પણ દેખાય છે. હવે અહીંયા હું ડેટાબેઝનું નામ આપી દઉં છું. તો ક્રિએટ ડેટાબેઝમાં ન્યૂ DB આપ્યું છે, કોલેજન આપું છું એન્ડ ધેન क्लिक ऑन द क्रिएट बटन फॉर द क्रिएट डेटाबेस. सो क्रिएट पर क्लिक करीशू एटले आपणो डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट थई गयो छे. तो अहीं तमे लेफ्ट हेन्ड साइड में जोई सको छो न्यू DB आई गयो छे आपणो डेटाबेस. तो अहीं नीचे पण कॉन्सोल में तमे जोई सको छो क्रिएट डेटाबेस एज अ न्यू DB जे आपणो अत्यारे हाल ज क्रिएट थयो छे. सो न्यू DB आपणो क्रिएट थई गया बाद तमे आ रीते जोशो तो क्रिएट टेबल तमने जोवा मळशे ऑप्शन. तो क्रिएट टेबल में तमारे नेम एटले के टेबलनू नेम आपवानू रहेशे अने तमारे टेबल में केटली कॉलम जोईए छे एक कॉलम आपवानी रहेशे. तो हियर यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप रिगार्डिंग द अवर प्रेक्टिकल नंबर 18 हाउ टू ड्रॉप द टेबल. क्लिक ऑन ऑपरेशन. Here you have to given the number of column for our table. You have to follow this step. तमारे आ step follow करवाना छे जे प्रमाणे हूँ तमने अहीं देखाड़ी रही छूँ. Same to same आ प्रमाणे step follow करजो अने अहीं जो तमे जोई शको छो drop the database एना पर क्लिक करीशू એટલે જો આ રીતનું તમને એક ડાયલોગ બોક્સ શો થશે. યુ આર અબાઉટ ટુ ડિસ્ટ્રોય કમ્પ્લીટ ડેટાબેઝ, ડુ યુ રિયલી વોન્ટ ટુ એક્ઝિક્યુટ ડ્રોપ ડેટાબેઝ ન્યૂ DB? તો એના પર જો આપણે ઓકે આપીશું તો સિમ્પલ છે કે આપણો ડેટાબેઝ ત્યાંથી શું થઈ જશે, ડ્રોપ થઈ જશે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણો ડેટાબેઝ જે ન્યૂ ક્રિએટ કરેલો હતો ન્યૂ DB અહીંયાથી રિમૂવ થઈ ગયો. તો એ કોન્સોલમાં પણ ત્યાં એનું એઝ અ માર્ક આવી જશે કે ડ્રોપ ડેટાબેઝ ન્યૂ DB, કે આપણો ડેટાબેઝ પણ ડ્રોપ થઈ ગયો છે. તો ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ ફોર ધ ડ્રોપ ડેટાબેઝ. તો આ જે છે આપણો ડેટાબેઝ કઈ રીતે ડ્રોપ કરવો એના રિલેટેડનું કોડિંગ છે. સો આઈ હોપ ડિયર ઓલ સ્ટુડન્ટ યુ ઓલ આર ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કોન્સેપ્ટ અબાઉટ હાઉ ટુ ડ્રોપ ડેટાબેઝ. અહીંયા ટેસ્ટ કરીને ડેટાબેઝ છે એને પણ હું અહીંયા ડ્રોપ કરું છું. તો જો ટેસ્ટ કરીને જે મેં ડેટાબેઝ હતો અહીંયા ઓલરેડી ક્રિએટ થયેલો એ પણ ડ્રોપ થઈ ગયો છે.